हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बजे है सुबह के 8:30 और मैं पूजा करके फ्री हो गई हूँ, क्योंकि सुबह मेरा रूटीन यही होता है, नहा धोकर फिर पूजा करती हूँ, उसके बाद सूरत बच्चों को फोन करते हैं, वीडियो कॉल उससे बात करते हैं, और उसके बाद अभी अश्विन जाग गए है तो अभी वो नहाने जाएंगे और मैं बनाऊंगी अश्विन के लिए चाय और भाकरी, मतलब हमारे लिए नाश्ता, क्योंकि मौसी तो सुबह सुबह उठ के सिर्फ चाय ही पीते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, और मासा भी नाश्ता नहीं करते हैं, तो अक्षय, अश्विन और मेरे लिए भाखरी बनाऊंगी। तो अभी मैं बनाती हूँ भाखरी और चाय। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं अपनी पूजा वाली जो वीडियो क्लिप है वो पहले अभी डाल रही हूँ। तो पूजा क्यों और कैसे करते हैं वो मैं आज यहाँ पर दिखाऊंगी, तो पहले वो देखिए। पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं तिलक और चांदला दोनों नहीं, जेंट्स जो होते हैं उसको तिलक और चांदला दोनों करना होता है और लेडीज़ को सिर्फ चांदला करना होता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, क्योंकि तिलक से ही हिंदू धर्म की पहचान होती है। तो सबसे पहले मैं चांदला कर रही हूँ। चांदला करने के बाद मैं ओमकार का नाद कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं पूजा में भी 3 बार ओमकार का नाद कर रही हूँ, क्योंकि ओम का उच्चारण करने से हमारे शक्ति शरीर में बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए मैं 3 बार ओमकार का नाद कर रही हूँ। प्राणायाम के बाद मैं मानसी पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा में एक मानसिक पूजा भी होती है, उसमें हम ध्यान करते हैं। तो हम मेरे इष्ट देव है भगवान स्वामीनारायण और मेरे गुरु है प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज, तो उनका ध्यान करते हैं। तो उसकी जो पूरी दिनचर्या होती है, तो उसका सुबह से लेके शाम तक उसका जो रूटीन होता है उसके हिसाब से हम मानसिक पूजा करते हैं। तो ध्यान में हम भगवान की मानसिक पूजा करते हैं, तो ये मानसिक पूजा मैं कर रही हूँ। फिर ये है मेरी पूजा, इसमें भगवान स्वामीनारायण, गुणातीतानंद स्वामी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज। फिर शिक्षा पत्र है, योगी गीता है और माला है। तो ऐसे ही मैं पूरी पूजा करूँगी। तो इसके बाद ध्यान के बाद मैं करूँगी माला, फिर तप की माला, फिर प्रदक्षिणा और फिर शिक्षा पत्र पढ़ूंगी और उसके बाद योगी गीता पढ़ूंगी। तो ऐसे मेरी पूरी पूजा कंप्लीट होती है। तो अभी मैंने ये भाखरी रेडी कर ली है, यहाँ पर चाय बन रही है और अश्विन अभी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। उसकी पूजा होने के बाद तो मेरा नाश्ता तो हो गया है, तो पूजा जैसे ही खत्म होती है उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद तुरंत ही घर की साफ़ सफाई चालू हो जाती है, तो मैं झाड़ू निकाल के फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो ये पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है, उसके बाद बर्तन साफ करूंगी, तो ये पूरा काम अभी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अभी अश्विन होटल पे चले गए हैं और मैं काम करके एकदम फ्री हो गई हूँ और अभी तो कुछ काम है नहीं, डायरेक्ट दोपहर का लंच ही बनाना है, तब तक तो हम फ्री ही है। और कल मैंने बोला था कि हम कल रात को हमने बनाए थे भजिया, तो भजिया की रेसिपी जो थी वो पूरी वीडियो में अभी यहाँ पर डाल रही हूँ, तो पहले आप वो देख लीजिए उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे भजिए का बैटर रेडी हो रहा है, हो गया है, क्योंकि इसमें और क्या क्या डाला है, तो एक नमक डाला है, नींबू डाला है, सोडा डाला है, पालक, मेथी और बेसन, बस इतना डाल के फिर इसको पानी थोड़ा सा डाल के फिर ऐसा गाढ़ा रखा है, इसे भजिया इससे पड़ना चाहिए। तो ये मासी का लड़का अक्षय बना रहा है भजिया, और यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अभी ये भजिया बनाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऊपर से एक इंग्रेडिएंट और जा रहा है, इसमें अदरक भी डाला था और अभी ऊपर से जा रहा है अजवाइन, तो ये सब मिक्स करके फिर अभी भजिया बनाएंगे। अभी ये भजिए की कामगिरी शुरू हो गई है, अभी देखिए पहला तो लंबा पड़ा है, नहीं अच्छा ही बन रहा है। और अक्षय के हाथ के भजिया मैंने पहले भी खाए हैं, एकदम सॉफ्ट बनते हैं, तो आज दूसरी बार मैंने उसको ही बोला कि तुम ही बनाओ, आज वो ख्वाहिश पूरी कर रहा है, बना रहा है। देखना अभी ये भजिया फूल के मस्त बनेंगे, चकाचक बना रहा है। तो ये बन गए हैं चकाचक सॉफ्ट वाले एकदम भजिया। अभी ये बन रहा है पट्टी के भजिया, उसका बैटर बनेगा, तो उसमें सोडा, नमक और नींबू। तो अभी इसका ये सा बैटर बना है, फिर इसमें मिर्च डालेंगे और ऐसे कटिंग करके मिर्च हमने रखा है लंबा लंबा, तो फिर ये जाएगा इसमें, फिर इसका बनेगा पट्टी भजिया। यहाँ पर जा रहा है पट्टी भजिया, मिर्च का भजिया, तो एक कैसा क्रिस्पी बनता है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। और यहाँ पर ये सब बर्तन वगैरह ठीक ठाक हो रहे हैं, और वहां पर देखिए मासा अभी बैठ गए, क्योंकि अश्विन को आने में देर लगेगी, तो मासा को दवाई खिला के फिर बिठा दिया है खाना खाने के लिए। और ये मासी टेस्ट करते हुए, मासी केवा बहना भजिया, केवा बहना भजिया, मासी न थारा बहना, अक्षय मासी ना पाड़े न थारा बहना, मासी उपवास न खावा हवे। ये देखिए पट्टी के भजिया एकदम चकाचक हो गए है। तो ये दोनों मेथी पालक का और ये मिर्च का दोनों भजिया रेडी हो गया है, और अभी तो बन रहा है, तो अभी हम भजिया एंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सुबह 11 बजे से डायरेक्ट अभी शाम के 6 बजे आपको मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर में मुझे बहुत सारा काम था। जब मैं 11 बजे फ्री हुई ना, उसके बाद दोपहर का खाना पकाना, फिर खाना खाया, और दोपहर के बाद हम अश्विन और मैं निकल गए थे घर देखने के लिए। तो अभी जस्ट हम आए हैं, तो अभी तक घर का कुछ एडजस्ट हुआ नहीं है, फिर भी देखने के लिए गए थे, तो इसलिए मैं बस अभी वीडियो बना रही हूँ। और आज का वीडियो तो हो ही गया है वैसे तो, क्योंकि अश्विन भी मिले नहीं है, उससे बात भी नहीं हुई है, आपसे बात अश्विन की नहीं हुई है, मुझसे तो हो गई है, तो अश्विन की कल बात कराएंगे। और अभी हम आज के वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।